नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है खुशी का दिन, तो क्या है वो खुशी आपको बताती हूँ। आज है मेरा जन्मदिन, तो उसी की तैयारी चल रही है। तैयारी क्या करनी है, मैंने तो ना बैलून लगाए ना कुछ करा, क्योंकि दिल वैसे ही खुश है। तो बैलून से मेरी दीवारें, पहले भी बेटे के उसमें लगाई तो खराब हो गई थी सारी दीवारें, तो इस बार मैंने लगाई नहीं अपने बैलून। तो आज जो मैंने बनाया है खाने में, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज जन्मदिन, अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में अभी केक काटूंगी, अभी तो केक काटा नहीं है। और मैं आ गई हूँ किचन में, अब दिखाती हूँ आपको क्या बना रही हूँ मैं। देखिए ये बन रही है मेरी टिक्किया, सही से नहीं बनी है, अच्छे से सिकाई हो रही है, मैंने सेक ली थी और अब मैं गर्म कर रही हूँ उनको अच्छे से। ये देखिए हाथ से गर्म वो हो जा रही, करारी सी बनी हुई है। और ये बनाए मैंने गोलगप्पे, ये और गोलगप्पे का पानी मीठा, ये आलू, एक मीठी चटनी, खट्टी चटनी, दही, ये इसमें मैंने मिला के रखा है जीरा पाउडर, चाट मसाला, काला नमक, सेंधा नमक और ये देगी मिर्च लाल। तो चलिए बनाते हैं टिक्की पहले और फिर गोलगप्पे। आइए आप लोग भी आइए, आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा, आइए जल्दी से और मेरे साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए। आइए फ्रेंड्स, चलिए टिक्की खाते हैं, आइए। अपन ने हस्बैंड फोटो शूट भी कर रहे थे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। और खीर, तो अभी दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो बर्थडे सेलिब्रेशन का। मैंने ज़्यादा कुछ तो किया नहीं है और अब बना रही हूँ मैं डिनर, बन चुका है और मैं नान बना रही हूँ, बटर नान। तो चलिए तैयारी करते हैं, पहले मैं अपनी ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, फिर तैयारी करती हूँ। तो मैं बना रही हूँ नान, किचन में आ चुकी हूँ और ले लिया मैंने, मैं ना जो मैदा होता है उसमें मैंने आटा डाला है ज़्यादा,
आटे की ज्यादा बना रही हूँ मैं नान, क्योंकि मैदा थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं इसलिए। तो चलो दिखाती हूँ आपको। आज ना मेरे किचन में थोड़ा लाइट डिम हो गई है तो इसलिए, और ये मेरी नान पक रही है देखिए अच्छे से। आटे की नान ना बहुत अच्छी बन जाती है। मैंने 4 कटोरी आटा लिया है और आधी कटोरी मैदा, और मैदा मैं जितना अवॉइड कर रही हूँ। और ये मेरा तैयार हो गया है अड्डे थाली आज मेरी। ये खीर बनाई, रायता, सोया चाप, पनीर, और ये नान। नान देखिए कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट सी बनी हुई है आटे की, और खाने में भी बहुत टेस्टी। मैंने बटर लगा दिया इसमें। का बर्थडे का डिनर मेरा यही है, ये मैंने बनाया है जो आपको दिखा दिया है। और चलिए देते हैं बच्चों को, हस्बैंड को। मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है किचन का, और अब मैं भी अपना डिनर कर लूँ। थोड़ा ज़्यादा तो नहीं, मैं भी एक नानी खा रही हूँ क्योंकि बहुत थक गई हूँ। और सुबह जल्दी उठना भी है, स्कूल भी जाना है बेटे को लेके, इसलिए मैंने एक ही नान ली है। केक से और गोलगप्पे की टिक्की खा के ही पेट अच्छा हो गया। ज़्यादा हो गया हैवी रात को इसलिए। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मेरा यही था, बर्थडे सेलिब्रेशन। तो फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।